नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय संगठन ऐप शुभारंभ का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी के मुरलीधर राव सहित भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुरलीधर राव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि लोकतंत्र के इतिहास में भारत में किसी शताब्दी के अवसर पर लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए किसी राजनीतिक दल को इतनी गहराई तक ले जाने वाला इससे पहले नहीं हुआ है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैंने सोचा है कि मैं कुछ बोलना नहीं, लेकिन इस अवसर पर दो तीन बातें मीडिया के सामने। एक तो देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में भारत में किसी शताब्दी के अवसर पर लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल व्यवस्था को इतने गहराई तक ले जाने वाला कोई यज्ञ इससे पहले नहीं हुआ है। कल्पना करिए, 20,000 विस्तारक और हर विस्तारक 100 घंटा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन 100 घंटा पूरा करेंगे। विराट कोहली की जैसे बैटिंग करेंगे। तो 100 घंटा 20,000, इसका मतलब है 20,00,000 वर्किंग आवर्स। आदरणीय स्वर्गीय ठाकरे जी के लिए 20,00,000 वर्किंग आवर्स झोली में श्रद्धांजलि के नाते देने वाले कार्यकर्ता, और ये दलीय व्यवस्था को 65,000 बूथ और 65,000 बूथ में इस प्रकार के जो हमारे अमन जी के नेतृत्व में आईटी विभाग ने महाभारत में अर्जुन जी ने शिव जी को साक्षात्कार करते हुए पाशुपदास्त्र प्राप्त किया, वैसे संगठन की ऐप अभी ऐसी है कि 65,000 बूथ मिनिमम 100 समिति और की वोटर्स ये सब मिलाएं तो मिनिमम 100, और 100 × 65,000 का मतलब होता है कि 65,00,000। 65,00,000 हमारे इस ऐप में आ जाएंगे और उनके साथ पार्टी निरंतर, अरे कोई प्रदेश में कहा तो जिला वालों के पास से फिर मंडल के बाद बूथ, ऐसा नहीं, सीधा 65,000 के साथ पार्टी केंद्रीय कार्यालय और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष जुड़ेंगे। और वो क्या करेंगे, वो यहां आएगा, वो यहां क्या होगा वहां जाएगा। तो एक नए क्रांति का इस विस्तारक अभियान के बाद जन्म लेने वाला है और इसका अंदाज। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।